नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दंतेवाड़ा की। पुलिस ने 4 नक्सलियों को ढेर किया है। गोवेल के जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हो रही थी और मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा SP ने पुष्टि भी की है। तो नक्सलियों का खात्मा करने के लिए लगातार जवान तत्पर रहते हैं और सरकार की तरफ से हर पुरजोर कोशिश की जाती है और इसी बीच ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है। दंतेवाड़ा में पुलिस ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। गोवेल के जंगल में पुलिस नक्सली की मुठभेड़ हुई और उसी दौरान 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 3 जवान घायल हैं जिनका इलाज जारी है। दंतेवाड़ा SP ने इस पूरे घटनाक्रम की, इस मुठभेड़ की पुष्टि भी की है। ये तस्वीरें आपके सामने। 4 नक्सली ढेर हुए हैं, बड़ी सफलता जवानों को। लगातार सर्च ऑपरेशन लगातार जवानों के द्वारा चलाया जाता है और मंसूबों पर नक्सलियों के पानी फेरा जाता है। इसी बीच एक और तस्वीर जहां पर नक्सलियों को ढेर किया गया। तो दंतेवाड़ा का जिक्र कर रहे हैं जहां पर पुलिस ने 4 नक्सलियों को ढेर किया है। ये देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। IED भी शायद प्लान किया गया था जिससे विस्फोट भी किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, पुलिस जवानों के लिए बड़ी सफलता है, 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है, लगातार खात्मा नक्सलियों का किया जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। दंतेवाड़ा बीजापुर और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर किया है, तो वहीं कुछ 3 जवान के घायल होने की भी खबर आ रही है। दंतेवाड़ा SP गौरव राय ने बताया कि 4 वर्दीधारी जो नक्सली ढेर किए गए हैं और ज्वाइंट ऑपरेशन अभी भी जारी है और इसकी जानकारी पूरी विस्तार से वहां से जो जानकारी मिलेगी उसके बाद बताई जाएगी। जी 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 जी, इसमें जवानों के घायल होने की भी जानकारी है। क्या गंभीर रूप से घायल है, सामान्य रूप से घायल है, कैसी स्थिति उनकी बनी हुई है? जी, मैं आपको बताऊं कि जब ये इस घटना को लेके SP दंतेवाड़ा से जानकारी चाही गई हमारी टीम के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि अभी मुठभेड़ जो हुई थी उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि सघन जंगल क्षेत्र और वहाँ नेटवर्क नहीं होने की वजह से पूरी जानकारी अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है। हाँ, ये जो 3 जवान घायल हुए उनका इलाज जारी है, यह बताया जा रहा है, अभी खतरे से बाहर है और ये कह पाना मुश्किल है कि क्लियर कह पाना मुश्किल है कि जवान की स्थिति अभी क्या है, पर ऐसा जो खबरें आ रही है कि जवानों का इलाज जारी है और खतरे से बाहर है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी को साझा करने के लिए। बिलासपुर में सट्टे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टा पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 2 सट्टेरियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों के पास से पासपोर्ट भी बरामद किया गया। श्रीलंका का इमिग्रेशन लगा पासपोर्ट बरामद किया गया है। आरोपियों से 4 लैपटॉप, 27 मोबाइल बरामद किए गए, 170 से ज्यादा सिम, पासबुक, चेक, ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। मामले में एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। सट्टा पर बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त मेरे साथ SP रजनीश सिंह है। सर, किस तरीके से इस पूरे मिशन को कामयाब किया, आप लोगों ने क्या प्लानिंग? देखिए, हमारी जिला पुलिस बिलासपुर की पुलिस ने लगातार पिछले IPL जो चल रहा था तब से हम लोग ट्रेस कर रहे थे। ऑनलाइन गेमिंग में कई लोग इस तरीके की सूचनाएँ आ रही थी और हम लोगों ने अभी इसमें ट्रेस कर 3 आरोपी हैं जिसमें से 2 आरोपी दीपक यादव और संजय जायसवाल को पकड़ा है और विकास अग्रवाल इसमें मुख्य आरोपी कोटा का रहने वाला वो फरार है और इनका जो हेडक्वार्टर है जो दुबई में है इनका और ये रेड्डी अन्ना गेमिंग ऐप के माध्यम से ये लोग पैनल चला रहे थे पहले। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, लगातार ऑनलाइन सट्टा ऐप पर हम देख रहे हैं कार्रवाइयां जारी हैं, एक और बड़ी सफलता हम यहाँ पर मान सकते हैं। बड़ी संख्या में अलग अलग सामग्री बरामद की गई है, साथ ही साथ गिरफ्तारी भी हुई है। शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है?
देखिए सबसे आश्चर्य की बात है कि जिन दो लोगों को वो गिरफ्तार किया है बिलासपुर पुलिस ने, वो दोनों कोटा क्षेत्र के रहने वाले हैं। बिल्कुल एक बिझड़ और सुदूर इलाका है, उस इलाके से इन दो लोगों को गिरफ्तार किया और वहाँ के ये रहने वाले हैं दोनों आरोपी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूरस्त अंचल से रहने वाले इन आरोपियों के जो तार हैं वो केवल छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिलासपुर नहीं बल्कि विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। दुबई से ये पूरी तरीके से, ये जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए जो सट्टा खिलाने का काम चलता है ये ऑनलाइन चलता है। और आप सोचें कि एक छोटे से जगह से दुबई से कांटेक्ट होना कितनी बड़ी बात है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जो इसका जाल बुना गया है पूरे प्रदेश में, वो छोटे छोटे गांव को भी निशाना बनाया गया। यही वजह है कि यहां से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जो एक मुख्य आरोपी है संजय विकास अग्रवाल, वो अभी फरार है। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, लगभग करोड़ों के लेन देन का जो रजिस्टर है वो बरामद पुलिस ने किया। इसके साथ ही सात से अधिक जो है मोबाइल जब्त किए गए हैं, उसमें 170 सिम्स पुलिस ने जब्त किया है। इसके अलावा हम कहें तो एक पासबुक इंटीग्रेट श्रीलंका का उसमें जब्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये पकड़े गए आरोपी हैं इनके जो तार है वो विदेशों से जुड़े हुए हैं और पुलिस इसको लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर पुलिस ने एक बार उमेश जानकारी को साझा करने के लिए।